बिहार के सीतामढ़ी में कुख्यात संतोष झा की सीजेएम कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान पुलिस के पहरे के बीच करीब 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों द्वारा करीब 20 राउंड फायरिंग किए जाने के दौरान सीजेएम कोर्ट का एक चपरासी भी घायल हो गया। बताया गया है कि सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को पेशी के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संतोष झा को सीतामढ़ी जेल में ही लाया गया था। पेशी के बाद पुलिस उसको लेकर जा रही थी तो पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने संतोष झा पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। गोली उसको सिर में लगी और वह कोर्ट परिसर में ही गिर गया। उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली चलने से सीजेएम कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की सूचना मिलने पर एसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस कोर्ट परिसर में पहुंचकर घेराबंदी कर ली। कुख्यात संतोष झा पर पूर्व से ही कई मामले दर्ज हैं। मालूम हो कि वह शिवर जेल के पुरहनिया थाने के दोस्तियों गांव का रहने वाला था। वर्ष 2001 में उसने मुखिया पर हमले के बाद चर्चा में आ गया था। इसके बाद अपराध की दुनिया में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस पर दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड, रीगा के पास पुलिस से मुठभेड़, जिला पार्षद हत्याकांड समेत अन्य कई मामले इस पर चल रहे थे। कुछ में सजा भी हुई थी। पिछले दिनों इसको सीतामढ़ी जेल में यहाँ के मुकदमों की सुनवाई को लेकर लाया गया था। कुछ दिनों पूर्व मोतिहारी में भी इसी के गैंग के सदस्य की कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।